बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज मैं ये बहुत ही मज़े की 5 मिनट के अंदर बनने वाली रेसिपी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। कोई आटा शाटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 1 कप, जो कि मैंने एक बड़े से बोल में डाल दिया है, और साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर जो कि है 1/2 टीस्पून, ठीक है। और साथ ही साथ जाएंगे इसमें कुछ मसाले, जिसमें नमक है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर है जी 1/2 टीस्पून, और मिक्स्ड हर्ब्स मैंने ली हैं 1 टीस्पून। ये आसान से मसाले हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स नहीं हैं तो आप धनिया और पुदीने से भी काम चला सकते हैं, उनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ जी दही, जो कि 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है, और ये प्लेन योगर्ट है, ठीक है, 80 ग्राम के करीब ये बन जाएगा। और साथ ही साथ 1 अदद अंडा डाल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, अंडे के बगैर कैसे बन सकती है। तो मैंने अंडा भी इसमें डाल दिया है, और अभी मैं कर रही हूँ मिक्स। और मैं इसमें डाल रही हूँ जी दूध, जो कि मैंने 3/4 कप के करीब मैंने लिया था, और वो सारा का सारा मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और इसको कर रही हूँ मिक्स। यहाँ पे अगर आपको कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम हो तो इसमें आप डालिए पानी। मैंने इसमें डाला है जी 1/2 कप के करीब पानी। अगेन मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि पता लगता रहे कि किस पॉइंट पर मुझे पानी रोकना है और किस पॉइंट पर कंसिस्टेंसी सेट हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मेरे फ्रिज में इसे सब्जियाँ निकली है मैंने वो सारी ले ली हैं, जिसमें एक छोटी सी गाजर है, एक जो है वो स्प्रिंग अनियन है, रेड अनियन है, 1/2 टमाटर है, 1 ग्रीन चिली है, 1 और शिमला मिर्च है, ठीक है। वो भी मैंने शिमला मिर्च 1/2 ली है। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हों वो डाल सकते हैं, या जो भी आपके फ्रिज में से निकले वेजिटेबल्स, ठीक है, वो आप इसमें डाल दीजिए। और ये बहुत ही हेल्थी रेसिपी है, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी सी जो है वो सब्जियां डल रही हैं, और आगे जाके आप देखेंगे कि मैंने इसमें ऑयल भी बहुत कम इस्तेमाल किया है। तो साथ ही साथ आपको बताती चलूं कि मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है official.lovecooking के नाम से, इसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गाजर और आलू को जो है वो मैंने कद्दूकस कर लिया था, और बाकी की सब्जियाँ छोटी छोटी सी काट ली हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी सब्जियाँ जाएंगी उस मिक्सचर के अंदर जो कि हमने पहले घोल के रखा हुआ था, और ये सारी की सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं। आई डोंट नो व्हाई मेरा आज थोड़ा पंजाबी बोलने का दिल कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पंजाबी रेसिपी है। आई डोंट नो, पंजाबी है तो नहीं है, लेकिन वैसे ही मुझे वैसे पंजाबी नहीं आती है, सो आई एम सो सॉरी अगर मैंने कोई गलती की हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है जी चेडर चीज़ भी, जो कि 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है, और दैट्स इट। अभी जो है हम इसको करेंगे फ्राई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर जो है वो ऑयल स्प्रे किया है। आपके पास स्प्रे वाला ऑयल ना हो तो आप 1 टेबलस्पून ऑयल भी पैन में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच से जो है वो बैटर इसमें डाल दिया है। अगेन यहाँ पे मैं आपको जैसा कि बता रही थी कि आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से इस बैटर की सेट कर लीजिएगा, ताकि ये पैन में इजीली स्प्रेड हो जाए। मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दिया है, और मैंने 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड को पकने दिया था, और मैंने फिर उसको पलट दिया है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने आंच इसकी ऊंची नहीं करनी, हल्की आंच पे इसको बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हमने मैदा डाला है, अंडा और सब्जियां, उन सबको हल्का हल्का तो हमने पकाना ही है, तो इतना आप इसकी आंच ऐसे रखें कि ये जले नहीं, ठीक है जी। तो ये हमारे जो हैं वो बड़े मज़े के, आप इनको स्टफ्ड पराठे कहें या फिर अंडा पराठा बोलें या जो भी बोलें, ये बहुत ही ईजी सा और क्विक सा ब्रेकफास्ट जो है ये रेडी हो जाएगा। जो वर्किंग मम्स हैं उनकी मौज हो गई है, क्योंकि वो जो है वो रात को ये मिक्सचर बना के और फ्रिज में रख सकती हैं, और सुबह के टाइम आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हें फ्राई ही करना है। 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ये रेडी हो जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी क्विक, ईजी एंड हैंडी रेसिपी, आई हैव टू ट्राई दिस। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, और इतने सॉफ्ट बनते हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने बगैर किसी यीस्ट के और कोई ऐसी चीज़ डाले इनको बनाया है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलती रहें। और आप मुझे बताइएगा कि आप इस रेसिपी को क्या नाम देना पसंद करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके साथ मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कोई रिकमेंडेशंस हो, रिक्वेस्ट हो, ज़रूर बताइएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।